आए खेलें प्रेशर बॉल। ये खेल बच्चों को दबाव से निपटने का तरीका सिखाता है। खेल के दौरान इस बात पर गौर करें कि बच्चे खेल में दबाव का सामना कैसे करते हैं। बच्चों को प्ले एरिया में एक बड़ा मुस्ततील बनाने को कहें और इसके हर कोने में एक दायरा भी बनाएं। इसके बाद लड़कों और लड़कियों से कहें कि वो दो बराबर टीमों में तकसीम हो जाएं, जिसे टीम ए और टीम बी कहा जाए। टीम ए से कहें कि वो गेंद लेकर मुस्ततील के बाहर इसके इर्द गिर्द जमा हो जाएं। टीम बी से कहा जाए कि वो चारों दायरों में से हर एक में फैल जाएं। इसके बाद टीम बी से एक रजाकार मुंतखब करें जो मुस्ततील के दरमियान में रहे और वही पहला डॉजर बनेगा। टीम ए से दो रजाकार मुंतखब करें और उनसे रिट्रीवर्स बनने के लिए कहें। ये बच्चे गेंदों को लेने के लिए मुस्ततील प्ले एरिया के अंदर और बाहर आजादाना तौर पर घूम सकते हैं। बाकी टीम ए के बच्चों को प्ले एरिया से बाहर रहना होगा। जब बच्चे जाओ सुने, डॉजर अपने साथियों को उनके दायरे में जाकर टैग करके बाहर लाने की कोशिश करें। बाहर आने वाले बच्चे चाहें तो अपने दूसरे साथियों को दायरे से बाहर ला सकते हैं। इसी वक्त टीम ए गेंदों के जरिए डॉजर और रिहा होने वाले बच्चों को टैग करने की कोशिश करेंगे। अगर कमर के नीचे टैग हो गया तो बच्चों को अपने दायरे में वापस जाना होगा। लड़कों और लड़कियों को याद दिलाएं कि एक वक्त में एक दायरे से सिर्फ एक ही बच्चे को बाहर लाया जा सकता है और ये कि इसी दायरे में वापस आने से पहले डॉजर को दूसरे दायरे से दूसरे साथी को बाहर लाना होगा। अगर डॉजर टैग हो गया तो गेम लीडर रुक जाओ कहें और टीम्स आपस में पोजीशन को तब्दील करेंगी। टीम से कहें कि वो खेलते वक्त मुख्तलिफ हिकमते अमली आजमाएं। बच्चे खेल के लिए अपने कवायद भी तब्दील करके नए जवाबत तरदीब दे सकते हैं। अगर खेल बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है तो बच्चों को इस खेल को मुख्तलिफ अंदाज से खेलने के हवाले से अपने ख्यालात के इजहार का मौका दें। मिसाल के तौर पर वो अपने मुस्ततील का साइज छोटा कर सकते हैं या वो चाहें तो इजाफी गेंदें शामिल कर सकते हैं। पूरे खेल के दौरान ये यकीनी बनाएं कि लड़के और लड़कियां किसी को गलत अंदाज में निशाना ना बनाएं और ये कि सब महफूज तरीके से खेल रहे हैं। खेल के बाद बच्चों से दबाव का सामना करने के बारे में बातचीत करें। और इस तरह आप प्रेशर बॉल खेल सकते हैं। एंजॉय करें।